नमस्कार दोस्तों, मैं राजनयन एक बार फिर आप लोगों के साथ। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के पास पहुंचा और स्वामी जी से उसने सवाल किया कि स्वामी जी मुझे ये बताइए कि माँ को इतना महान दुनिया में क्यों बताया जाता है, माँ को इतना बड़ा क्यों बताया जाता है, माँ का महिमा मंडित इतना क्यों किया जाता है, आखिर क्या कारण है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जो जवाब 2 दिन बाद दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। उस व्यक्ति ने कहा मुझे क्या करना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने उसे 2 किलो का एक पत्थर दिया और उसे कहा कि कपड़े से अब पेट में बांध कर रख लो और 48 घंटे बाद मेरे पास आना। वो व्यक्ति राजी हो गया और घर गया। घर जाने के बाद उसने पेट में पत्थर बांधा और पत्थर बांधने के बाद वो जैसे अमूमन काम करता है उसी प्रकार से काम करने लगा। 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते, 4 घंटे बीते, उसे थोड़ी बहुत दिक्कतें होने लगी, उठने में, बैठने में, आने जाने में कुछ परेशानी होने लगी। 8 से 9 घंटे जब बीते तो बहुत ज़्यादा जब उसे दिक्कत हुई तो उसने पत्थर को उठाकर फेंक दिया और बोला कि ये पत्थर भाड़ में जाए, मैं इस पत्थर के कारण अपनी जान थोड़ी ना दे दूंगा और इस पत्थर को मैं नहीं बांधता। और गुस्से में आया, स्वामी विवेकानंद जी के पास पहुंच गया और उसने सवाल कर दिया। बोला कि मैंने जो आपसे पूछा था कि माँ को इतना बड़ा क्यों बताते हैं, माँ की महिमा इतनी बड़ी क्यों है, उस सवाल का तो जवाब आपने दिया नहीं, उल्टे मेरी जान को आफत कर दी कि 2 किलो का पत्थर बांधकर तुम 48 घंटे बाद आना। मैं तो 8 से 10 घंटे बाद ही परेशान हो गया और मैंने निकालकर उसे फेंक दिया। स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे सवाल का यही जवाब है। जब तुम एक पत्थर को, 2 किलो पत्थर को 8 से 9 घंटे तक अपने पेट में बांध कर नहीं रख सकते हो तो सोचो जरा, एक माँ 9 महीने तक बच्चे को कैसे पेट में रखती होगी, कितना ज़्यादा उसे दिक्कत होती होगी, कितनी तकलीफें होती होगी। बच्चे के साथ वो उठना बैठना सारा काम उसी प्रकार से करती है। माँ की तो कभी छुट्टी भी नहीं होती है, रसोई में उसे जाना ही जाना होता है और उस स्थिति में भी माँ काम करती है, कितने जतन करती है कि उसका बच्चा ठीक से रहे, सही सलामत रहे। थोड़ा सा भी दर्द आता है तो माँ क्या कहती है, माँ सोचती है कि मुझे तकलीफ हो जाए, भगवान मुझे कुछ कर दे, लेकिन मेरे बेटे को सलामत रखे, मेरे बच्चे को सलामत रखे। माँ यही तो दुआ करती है, यही तो सलामती मांगती है अपने सिर्फ बच्चे के लिए। और 9 महीने तक सारे कष्ट, सारे दुख, तकलीफ सहती है, यहाँ तक खाना पीना सब बच्चे के अनुसार ही करती है। इसलिए माँ का महत्व दुनिया में है, इसीलिए माँ सबसे बड़ी है। और ये जान लो दुनिया में कि माँ जैसा कोई दुनिया में हो नहीं सकता और माँ का महत्व कभी कम हो नहीं सकता, माँ इसीलिए बड़ी है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, लाइक करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।